स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 4 से 5 के लिए क्यूज अभ्यास, जो कि अभी वीक 3 16 जुलाई 2022 का है। इसमें हम तीनों विषय सॉल्व करेंगे। पहले गणित को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश को, उसके बाद हिंदी को। इसी वीडियो के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए है। हमने कक्षा 4 और 5 की आपकी जितनी भी कार्य पुस्तिकाएँ आई हैं उनका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर हमारे डायरेक्ट लिंक भी ले सकते हैं। देखिए, कौन सी संख्या रेखा 7 और 4 के अंतर को दर्शाती है? 7 से 4 कौन गया है? देखिए, हमें पता है 7 में से अगर 4 जाते हैं तो 3 बचते हैं। तो 7 में से 4 गए तो 3, तो 3 तक देखिए एक ही संख्या रेखा आ रही है, चौथी। अगला देखिए, कौन सा विकल्प 9 माइनस 5 को दर्शाता है? 9 माइनस 5 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 9 से 4 कौन आ रहा है स्टूडेंट्स? पहला आ रहा है, तो पहला उत्तर करेक्ट होगा। अगला देखिए, दी गई संख्या रेखा 2 संख्याएं 11 और k के अंतर को दर्शाती है। k का मान क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 11 में से 4 गए, जब 7 आएगा तो 4 उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 43 माइनस 6 37 सही है या गलत है? बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। देखिए, 8 में से 2 गए तो 6, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पहले 6 माइनस 2 हुआ, फिर वापस से -2 हुआ, फिर -1 हुआ। 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1। अगला देखिए, 98 माइनस 8 90 होता है स्टूडेंट्स। देखिए, 28 से जा रहा है 23 पर, तो कितने माइनस हुए? 5। 28 माइनस 5 उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए, 32 माइनस 11 कितने होते हैं? 21 होते हैं, 21 उत्तर हो जाएगा। 54 माइनस 6 कितने होते हैं? 48 होते हैं स्टूडेंट्स, 48 उत्तर आ जाएगा। देखिए, 43 माइनस 6 37 होते हैं, तो 43 माइनस 6 उत्तर हो जाएगा। 98 माइनस 9 89 होते हैं, 89 उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसी वीडियो में कक्षा 4 से 5 के लिए, कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए है, इंग्लिश का क्यूज अभ्यास। हु अमंग दीज एक्ट इन फिल्म और ए टेलीविज़न, एक्टर और एक्ट्रेस? आई स्टिच योर स्कूल यूनिफॉर्म एंड योर ड्रेसेस, हु आई एम? मैं तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म सिलता हूँ, तो मैं कौन हूँ? टेलर हूँ। अगला देखिए, आई मेक फर्नीचर फॉर योर होम, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, तो कौन होऊंगा? कारपेंटर। व्हाट डज बार्बर डू, बार्बर क्या करता है? हेयर्स कट करता है। आई डिज़ाइन बिल्डिंग एंड हाउसेज, बिल्डिंग की हाउस और डिज़ाइन बनाने वाला आर्किटेक्ट कहलाता है। आई बेक ब्रेड एंड केक एंड वर्क इन ए बेकरी, मैं बेकरी में काम करता हूँ और ब्रेड और केक बनाता हूँ, तो क्या है? बेकर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पर्सन हु मेक थिंग फ्रॉम आयरन, आयरन से जो चीज़ें बनाता है ब्लैक स्मिथ कहलाता है। अगला, आई प्रिपेयर फूड फॉर अदर ऑफन इन ए रेस्टोरेंट और ए कैफ़े, मैं कैफ़े और रेस्टोरेंट में खाना बनाता हूँ, शेफ कुक हो जाएगा। वैन यू आर सिक और इन पेन यू केम टू मी, हु आई एम? जब तुम बीमार होते हो तो मेरे पास आते हो, तो मैं कौन हूँ? डॉक्टर हूँ। अगला देखिए, फार्मर क्या करता है? ए पर्सन हु ग्रो क्रॉप एंड वर्क इन ए फार्म। अगला, आई हेल्प ए डॉक्टर एंड टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, हु आई एम? नर्स हो जाएगा उत्तर। व्हाट डज कॉबलर डू, कॉबलर जो जूते सिलने वाला होता है कॉबलर कहलाता है, ही मेंट्स शूज। अब हम करेंगे कक्षा 4 से 5 के लिए विषय हिंदी का क्यूज अभ्यास इसी वीडियो के अंदर। देखिए, दृश्य को देखकर आपको घूमर की याद आ रही होगी। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारे राजस्थान का है स्टूडेंट्स। देखिए, ये चित्र किससे जुड़ा हुआ है? मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ चित्र है ये। ये देखिए, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में औरतें पूरी ढकी हुई, कहाँ का होगा स्टूडेंट बताइए? हिमाचल प्रदेश का होगा। अब देखिए, भरतनाट्यम कर रही हैं ये, जो आंध्र प्रदेश का है लोक नृत्य। ये देखिए, एक छोटा जो जहाज़ होता है उसकी जो दौड़ होती है उसका दृश्य है, तो ये केरल में होती है। ये क्या है? लट्टू है, लट्टू उत्तर हो जाएगा। ये चित्र काई का है, देखिए डॉक्टर खड़ा है, मरीज हैं, नर्स हैं, अस्पताल का है।
ये क्या कर रहा है? खेत में हल चला रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है। ये चित्र काईका है जो रोशनी देता है, लालटेन है। स्टूडेंट इस प्रकार था हमारा पूरा क्यूज अभ्यास तीनों सब्जेक्ट्स का इसी वीडियो के अंदर। इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।